शाहजहाँपुर पत्नी पर गलत नजर रखने वाले भाई की उसके सगे ही भाई ने बांका से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने परमिंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी भाई को में आला कतल गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है। आपको बता दें कि थाना सिंदौली क्षेत्र के कटोल गाँव के रहने वाले परमिंदर सिंह पुत्र हरवंश की 17 सितंबर को बांका से गर्दन काट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को उसके हत्यारे की जानकारी प्राप्त हुई। दरअसल परमिंदर की हत्या करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना ही सगा भाई मुखविंदर निकला। पुलिस की माने तो परमिंदर की अपनी भाभी पर नजर खराब थी। भाभी का अश्लील वीडियो बनाकर वह ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात से खफा मुखविंदर ने अपने भाई को ही ठिकाने लगाने की योजना बनाई और 17 सितंबर की रात को छत पर सोते समय उसने अपने भाई परमिंदर की गर्दन पर बांका से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुखविंदर को उसके ही घर दबोचा, साथ ही आला कतल भी बरामद किया। पुलिस ने हत्या आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। क्या कैसे मारा था, किस तरीके से प्लानिंग थी तुम्हारी मारने की? कहे से मारा था? अच्छा, कोई रंजिश थी पुरानी भाई से? परविंदर नाम के एक नवयुवक की हत्या उसके घर पे ही छत पर सोते समय कर दी गई थी। गले में धारदार हथियार के चोट के निशान थे। जब वहाँ मौका मुआयना किया गया तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि यह जो घटना है ये किसी घर के अंदर के व्यक्ति द्वारा ही की गई है। इसके बाद वहाँ शक के आधार पर उसके बड़े भाई से गहनतास पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल किया और घटना स्वयं द्वारा किया जाना है। जो घटना में प्रयुक्त बांका था उसकी निशानी ही को बरामद भी कर लिया गया है। और जो कारण उसने बताया, उसने कहा कि उसकी पत्नी द्वारा बार बार यह शिकायत की जाती थी कि ये बुरी नियत से उसको देखता है और शायद कोई उसने अपने मोबाइल पर कोई वीडियो बना रखा था जिसको दम धमकी देता था कि यदि वो सहयोग नहीं करेगी तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। तो उसके घटना के एक दिन पहले वो अपने ससुराल गया था। जब ससुराल में ही ये सारी बातें हुई तो वापस आने के बाद उसी गुस्से में रात को उसके द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया। वो दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखविंदर नाम है उसके बड़े भाई का और उसके निशानी पे जो आला कतल है वो भी बरामद कर लिया गया है और आगे अधिक कार्रवाई की जाएगी।